मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी के यूट्यूब चैनल से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये Q1 FY21 नतीजों का सीजन है और आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। इस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस क्वार्टर में, कंपनीज इस क्वार्टर में कैसे अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेगी, इसके ऊपर हम आज ये थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये Q1 का अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो आउटलुक है वो आने वाले 2-3 महीनों के लिए बहुत ही कठिन माना जा रहा है। इनफैक्ट इस क्वार्टर की बात करें तो FY21 में एक कंप्लीट वॉशआउट क्वार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए देखने को मिलने वाला है। ज्यादातर इसके कारण ये है कि अप्रैल और मई में जो कंट्री वाइड लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद जो कोविड-19 की पैंडेमिक हुई थी, इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे बहुत भारी तरह से नेगेटिव हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लेबर फोर्स है, काफी हद तक ये माइग्रेंट वर्कर्स जो इस सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान करते थे, ये भी वापस गए हैं और इसलिए इनका जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। हमको लग रहा है कि दोस्तों इस क्वार्टर में आपको काफी सारी बड़ी और मीडियम साइज कंपनी जो हमारे कवरेज में है वो शायद आपको इबिटा लॉस यानी कामकाजी लॉस रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड इनकम एक्सपेंस काफी ज्यादा है और ऑब्वियसली इसका नतीजा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि रेवेन्यू जीरो है लेकिन जो खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट माने जाते हैं वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। पार्शियल रिकवरी लॉकडाउन होने के बाद थोड़ी सी रिकवरी होने के संकेत जरूर मिले हैं, इसलिए हमारा मानना है कि FY21 में के सेकंड हाफ में आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन जो जून क्वार्टर है और जो सितंबर क्वार्टर है दोस्तों वो काफी खराब होने की उम्मीद है। और स्पेशली जो सेक्टर्स इसमें प्रभावित ज्यादा रहेंगे वो बेसिकली रोड्स, अर्बन इंफ्रा, रेलवे एज वेल एज वाटर इरिगेशन रहेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज के लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटी ऑलमोस्ट 2.5 to 3 times की ऑर्डर बुक है, जिसका मतलब है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी तो काफी अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इनफैक्ट जो बड़े मॉनिटरेबल्स रहेंगे वो बेसिकली लेबर अवेलेबिलिटी पे रहेंगे, जैसे हमने पहले कहा, दूसरा वर्किंग कैपिटल साइकिल और तीसरा एग्जीक्यूशन। ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज इस कंपनीज की आएगी नतीजे के बाद वो काफी हद तक क्लोजली एनालिस्ट एज वेल एज मार्केट्स ऑब्जर्व करेंगे। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि इस सेक्टर को काफी मदद मिले, जैसे कि लोन मोरेटोरियम दिया है 6 महीनों के लिए, कंसेशनल पीरियड जो है वो और एक 3 से 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया है, बैंक गारंटीज भी रिलीज की गई है, अलॉन्ग विद जो रिटेंशन मनी होता है इन कॉन्ट्रेक्टर्स का, उनको भी जल्दी NHAI ने रिलीज किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वर्किंग कैपिटल के लिमिट्स थोड़े से रिलैक्स किए गए हैं और इनको कोविड के लोन्स भी लो इंटरेस्ट रेट्स पे दिए गए। तो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कोशिश की है कि इस सेक्टर की मदद करे, क्योंकि सेक्टर बहुत मुश्किल से गुजर रहा है और जून और सितंबर का क्वार्टर, जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे अप ट्रेंड और रिकवरी की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। हालांकि सेकंड हाफ में होपफुली ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी सी नॉर्मल सी वापस ट्रैक पे आएगी। दोस्तों, कौन सी कंपनीज यहाँ पे इफेक्ट होगी? पहली कंपनी जो हमको लग रहा है जो काफी प्रोमिनेंट है इस स्पेस में, अहलूवालिया कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे दोस्तों हमको लग रहा है कि करीबन 44% इस कंपनी के जो कामकाजी रेवेन्यू है वो गिरने के चांसेस है जून क्वार्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली नेशन वाइड लॉकडाउन हो गया है, बेसिकली लेबर अवेलेबिलिटी का इश्यू है, तो यहाँ पे इनको काफी दिक्कत रहेगी। इनफैक्ट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने पहले तिमाही में पिछले साल कमाया था जो करीबन 18 करोड़ था, इस बार एक नुकसान करीबन 23-24 करोड़ का होने का अनुमान है, तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज है। सबसे बड़ी बात, इबिटा मार्जिन्स करीबन 3 से 4% तक गिरेंगे, जो काफी बड़ा फॉल है, और यहाँ पे जो लेबर अवेलेबिलिटी है स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स की, इनको काफी जरूरत लगती है, तो ये बहुत ही बड़ा की मॉनिटरेबल रहेगा। और आउटलुक कैसा है सेक्टर में, क्या हेडविंड्स है, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, ये सारा मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी कंपनी दोस्तों जो क्वार्टर
इम्पोर्टेंटली इम्पैक्ट होगी वो है अशोका बिल्डकॉन। ये काफी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट कंपनीज के नंबर्स पे बहुत भारी तरह से नेगेटिवली रिफ्लेक्ट होगा। करीबन 61% का रेवेन्यू ड्रॉप पहले तिमाही में गिरने का अनुमान है। और यहाँ पे भी इनकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी, टोल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, वो पूरी तरह से पिछले 3 महीने में ठप पड़ गई थी। टॉप लाइन जो है वो करीबन 335 करोड़ आने का अनुमान है, जो पिछले पिछले फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर करीबन 875 करोड़ था। और यहाँ पे भी कंपनी करीबन 11 करोड़ का नुकसान रिकॉर्ड करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 64 करोड़ था। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि दोस्तों जो लेबर अवेलेबिलिटी है और प्लस जो इनका SBI मैक्वायरी का डील था वो, उसके ऊपर क्या अपडेट है वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि इससे इनके लिए इनके कैश फ्लोज पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला था। तो यहाँ पे एक अपडेट बहुत जरूरी है। प्लस जो भी आउटलुक सेक्टर के ऊपर होगा, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री रहेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे भी कोई अच्छे नंबर्स आने की संकेत नहीं है। तीसरी कंपनी दोस्तों जो काफी प्रोमिनेंट है टोल में, वो है IRB इंफ्रा। अभी IRB इंफ्रा में भी हमने देखा है कि इनके लिए भी दिक्कत बहुत बड़ी थी, क्योंकि पूरी तरह से टोल कलेक्शन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ये बेसिकली 20 अप्रैल तक बिल्कुल ही ठप पड़ा था, और उसके बाद मई में भी कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है। तो क्लियरली करीबन 75-80% रेवेन्यू ड्रॉप होने की शंका है। यहाँ पे करीबन 450 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पहले क्वार्टर में रिकॉर्ड करेगी, ऐसा एस्टिमेट है हमारा। और जो पिछले क्वार्टर में, यानी पहले क्वार्टर में लास्ट ईयर करीबन 1773 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पे कंपनी एक काफी बड़ा नुकसान करने की क्षमता रखेगी। करीबन 190 करोड़ का लॉस हमको लग रहा है आएगा, जो पिछले क्वार्टर में एक 206 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो वॉल्यूम गाइडेंस और जो रेवेन्यू आउटलुक रहेगा मैनेजमेंट का, वो बहुत देखने लायक रहेगा। यहाँ पे अगर कोई बड़ी नेगेटिव कमेंट्री अगर मैनेजमेंट से आती है तो स्टॉक में थोड़ा सा और गिरावट होने की संभावना है। लेकिन हमको लग रहा है कि जो भी इम्प्रूवमेंट आएगी वो ज्यादातर सेकेंड हाफ से आएगी, फर्स्ट हाफ में अभी भी नहीं लग रहा है दोस्तों। उसके बाद एक MNC कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन और EPC वर्क में काम करती है, और उसका नाम है ITD सीमेंटेशन। यहाँ पे भी दोस्तों हालांकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही तगड़ी है, इनके लिए एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी कारण से पहले क्वार्टर में हमको लग रहा है कि रेवेन्यू करीबन 70% गिरने की क्षमता है। यहाँ पे भी लेबर सप्लाई इशू, सप्लाई चेन इश्यूज और बेसिकली लॉकडाउन, ये तीनों ही फैक्टर्स कंपनी के नतीजे के ऊपर भारी पड़ेंगे। और कंपनी करीबन 220-225 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रिकॉर्ड करेगी, जो पिछले क्वार्टर में 704 करोड़ था। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कामकाजी नुकसान करीबन 44 करोड़ होने की एक्सपेक्टेशन है हमारी, जो कि पहले फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल करीबन 75 करोड़ था। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो कंपनी भारी नुकसान करने की पॉसिबिलिटी रखती है। करीबन 97-98 करोड़ का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी यहाँ पे नुकसान उठाएगी, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 18 करोड़ था। तो यहाँ पे दोस्तों हमको लग रहा है कि इस कंपनी का जो इमीडिएट री रेटिंग है वो होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इनफैक्ट इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत लेबर का है, क्योंकि इनके लिए माइग्रेंट लेबर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस वेरिएबल है। ये आने के बाद ही आपको एक अच्छा छलांग इनके एग्जीक्यूशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री प्लस लेबर आउटलुक पे इनका क्या रवैया है, ये इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट बहुत क्लोजली वॉच करेंगे, और उसके बाद ही स्टॉक में एक तेजी आने की उम्मीद रहेगी। और एक कंपनी जो बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो एग्जीक्यूशन के लिए मानी जाती है दोस्तों, वो है KNR Reconstructions। अभी यहाँ पे भी दोस्तों हमको लग रहा है कि नतीजे काफी कमजोर आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे करीबन 35% रेवेन्यू में ड्रॉप होने का अनुमान है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसलिए होगा क्योंकि ऑब्वियसली नेशन वाइड लॉकडाउन हो चुका है, लेबर माइग्रेशन हुआ है। बट दूसरे कंपनीज के मुकाबले में KNR कंस्ट्रक्शन काफी अच्छी वेल पोजिशन है, क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी काफी जानी जाती है। दूसरी बात, कंपनी ने इस खराब क्वार्टर में काफी बड़े ऑर्डर्स, ऑलमोस्ट 2300 करोड़ के नए ऑर्डर्स इन्होंने बैक किए हैं। तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इसका फायदा कंपनी को मिलेगा, ज्यादातर इरिगेशन ऑर्डर है गवर्नमेंट से। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो इस क्वार्टर में, दैट इज जून क्वार्टर में, हमको लग रहा है करीबन 21-22 करोड़ का नुकसान कंपनी उठाएगी, जो पिछले क्वार्टर लास्ट ईयर में करीबन 47 करोड़ था।
तो यहाँ पे भी दोस्तों टाइमली डिसबर्समेंट जो पैसे गवर्नमेंट्स देते हैं प्लस लेबर माइग्रेंट्स की रिटर्न और यू नो नॉर्मल सी है वो की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट से आती है और थोड़ा सा अगर हेडविंड्स पॉजिटिव होता है तो ये स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। ये काफी वेल मैनेज कंपनी है लेकिन खराब नतीजों के कारण हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्टॉक में नियर टर्म में कमजोरी देखने को मिले। दोस्तों कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अभी भी बहुत मुश्किल से गुजर रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि कम से कम नेक्स्ट 3 to 6 month में कोई बड़ी रिकवरी आएगी। ज्यादातर हमको लग रहा है कि कम से कम 6 से 12 महीने लगेंगे ये इंडस्ट्री को पूरी तरह से नॉर्मल सी पिकअप करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों हमें आपको वही कहना है कि ऐसी कंपनीज देखें जहाँ पे कर्जा कम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही यू नो टाइटली मैनेज्ड है और जहाँ पे हाई बुक टू बिल रेशियो है। इसका मतलब है कि जहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा है और विजिबिलिटी बिजनेस में अच्छी है, तो ऐसी कंपनीज में हमको लग रहा है कि निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हालांकि हम अभी इमीडिएटली तो इसमें निवेश की राय नहीं देंगे, नतीजे आने के बाद हम आपको फ्रेश कॉमेंट्री देंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो भी इंप्रूवमेंट आएगी वो FY22 में ही आएगी। FY21 एक मुश्किल। दोस्तों इसी के साथ आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे हम हमारा ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो में कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस पूछने हैं तो हमारे YouTube के बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम जरूर आपके आंसर्स रिप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों हम आपके फीडबैक के लिए जरूर वेट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।